आप देख रहे हैं न्यूज वॉल इंडिया का खास शो बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पारुल त्यागी। आपके एंटरटेनमेंट में लगने वाला है तड़का, तो हो जाइए तैयार देखने के लिए भूल भुलैया 2 के सेट पर किसका किया गया स्वागत, आयुष्मान खुराना ने एनिवर्सरी पर ताहिरा को कैसे किया विश, कैसे बढ़ सकती है रिया की मुश्किलें, आमिर खान ने किया चौंकाने वाला अनाउंसमेंट और FIR दर्ज होने के बाद गौहर खान ने क्या कहा, तो चलिए करते हैं शुरुआत। एक्ट्रेस तब्बू अपनी आने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 2 के सेट पर शूटिंग के लिए पहुंची, जिसके बाद फिल्म के लीड एक्टर कार्तिक आर्यन ने उनके लिए वेलकम नोट पोस्ट किया। कार्तिक ने जो फोटो शेयर किया है उसमें कियारा आडवाणी और निर्देशक अनीस बज्मी और तब्बू नजर आ रही हैं। कार्तिक ने फोटो के कैप्शन में लिखा वेलकम बैक तब्बू तिफुल जी, लेकिन उन्होंने बबल से बाहर आने से इनकार कर दिया। वो शूट के लिए अपना पोर्टेबल Z++ बायो बबल लेकर आई हैं। बता दें कोरोना की वजह से फिल्म की शूटिंग में देरी हुई थी और बाद में तब्बू ने कोरोना मामलों के वजह से सेट पर आने से मना कर दिया था। हालांकि चीजों के पटरी पर आने के बाद अब पूरी कास्ट वापस काम पर आ गई है। फिल्मी दुनिया के वो अभिनेता जिसने खुद के दम पर अपनी एक खास पहचान तो बनाई है, साथ ही लोगों के दिल पर भी पूरी तरह से लोगों का दिल जीत लिया। हम बात कर रहे हैं आयुष्मान खुराना की। आयुष्मान जितना अपने काम को लेकर गंभीर हैं, उतना ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी। दरअसल आज आयुष्मान और उनकी पत्नी ताहिरा की शादी को पूरे 20 साल हो गए हैं। इस मौके पर आयुष्मान ने पत्नी ताहिरा के लिए एक पोस्ट भी शेयर किया है। इस पोस्ट में आयुष्मान ने ताहिरा पर प्यार लुटाया और साथ ही उनके जीवन में होने का महत्व भी लोगों के साथ शेयर किया है। पोस्ट में आयुष्मान ने लिखा ये लड़की जिम्मेदार है कि मेरे 12वीं में अच्छे अंक नहीं आ सके। उन्होंने बताया कि हमने केमिस्ट्री एग्जाम से पहले एक दूसरे को डेट करने का फैसला लिया था, वहीं PMT से लेकर CET तक मेरी रैंक बेहद बेकार रही। उन्होंने ताहिरा को मजाक के तौर में कहा थैंक यू ताहिरा, मेरा डॉक्टर न बन पाने का कारण बनना। रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स मामले की जांच कर रही NCB ने अब रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स मामले में मिली जमानत के खिलाफ NCB ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस केस में रिया चक्रवर्ती को जमानत दी थी, जिसके खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इस पर अब 18 मार्च को सुनवाई होगी। ऐसे में अब रिया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ड्रग्स मामले के सामने आने पर NCB ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। इस मामले में रिया को भायखला जेल में भी बंद किया गया था। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने अपने जन्मदिन के दूसरे ही दिन सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म से अलविदा कह दिया है। आमिर ने अपने एक पोस्ट में बर्थडे विशेष के लिए लोगों को शुक्रिया कहा, साथ ही उन्होंने बताया कि ये उनका आखिरी पोस्ट है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो अब किस तरह से अपने फैंस के साथ कनेक्ट होंगे। आमिर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा दोस्तों मेरे जन्मदिन पर इतने सारे प्यार और इतनी गर्मजोशी के लिए आपका शुक्रिया, मेरा दिल भराया है। दूसरी खबर ये है कि मेरा सोशल मीडिया पर ये आखिरी पोस्ट है, ये देखते हुए मैं बहुत एक्टिव हूँ, मैंने फैसला लिया है कि ये दिखावा बंद कर दूँ। हम वैसे ही बातचीत करेंगे जैसे पहले करते थे। साथ ही AKP ने अपना ऑफिशियल चैनल क्रिएट किया है, इसीलिए भविष्य में मुझसे और मेरी फिल्मों से जुड़े अपडेट्स वहां पर देखे जा सकते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान इन दिनों मुश्किल समय से गुजर रही है। जहां हाल ही में एक्ट्रेस के पिता का निधन हुआ है, वहीं अब उनके सर एक और मुसीबत आ गई है। दरअसल गौहर खान पर आरोप है कि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव थी और इसके बाद भी उन्होंने अपना काम जारी रखा और इसी वजह से उन पर सख्त FIR भी दर्ज की गई है। इस मामले में अब गौहर खान की टीम ने एक बयान जारी किया है। टीम ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा गौहर नियम और कानून के साथ चलने वाली और उनका पालन करने वाली एक जिम्मेदार नागरिक हैं। ऐसे में मामले को लेकर कयास लगाने वालों से गुजारिश है कि वो इस मामले को और ना बढ़ाएं। उन्होंने लोगों को यह भी भरोसा दिलाया कि गौहर खान BMC को हर तरह से सहयोग दे रही हैं। बॉलीवुड गपशप में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वॉल इंडिया।